हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन्स बुद्धा बॉन्साई चैनल। ये बैनियन की बॉन्साई है जिसकी हमने रिपोर्टिंग करी है, डिफॉलिएशन किया है आपके साथ। अब बारी है इसकी वायरिंग की। तो वायरिंग के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है एक वायर, वो भी एल्यूमिनियम वायर। काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए। आपको इसकी ब्रांचेज को अगर वायरिंग करनी है, वायरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वायरिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है गाइस, जिससे हम इस बॉन्साई की खूबसूरती को और निखार सकें। इसकी जो ब्रांचेज हैं, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर देना होता है इनकी ब्रांचेज में। स्ट्रक्चर यानी कि कुछ मूवमेंट देना होता है और कुछ की डायरेक्शन बदलनी होती है, सही डायरेक्शन में उनको ट्रेन करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग का, बॉन्साई ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है वायरिंग। तो वायरिंग करने के लिए आपको एक टूल चाहिए, वायर कटर और एल्यूमिनियम वायर और एक बॉन्साई ऑफकोर्स जिसके ऊपर वायरिंग करनी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास बहुत ही कम पत्ते हैं डिफॉलिएशन के बाद, बहुत ही अभी छोटे छोटे लीव्स प्रोड्यूस हुई हैं इस बॉन्साई के अंदर, और ये पत्ते भी काफ़ी छोटे ही रहने वाले हैं। तो इनकी वायरिंग करने में हमें इसकी स्ट्रक्चर को देखने में और भी अभी प्रॉब्लम नहीं होगी और चीज़ें क्लियर एकदम होंगी, ब्रांचेज एकदम क्लियर होंगी, किस डायरेक्शन में मूवमेंट देना है वो क्लियर होंगी। ठीक है, तो हम इसकी वायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें प्लस शेयर करें। वायर को हमेशा थोड़ा बड़ा कट करें जिससे हम एटलीस्ट दो ब्रांचेस को कवर कर पाए। दो ब्रांचेस को कवर करने से वायर को सपोर्ट भी मिलता है और वायर भी मतलब कम यूज़ होता है और आपकी ब्रांचेस मैक्सिमम कवर होती हैं, टाइम भी कम लगता है। तो बहुत बेनिफिट है, थोड़ा लंबा वायर लें और दो ब्रांचेज को कवर करने की कोशिश करें हमेशा सिंगल वायर से। तो यहाँ पर दो अपने पास ब्रांचेज हैं, एक ये दिस वन और एक ये वाला, दोनों ब्रांचेज को हम एक ही वायर से वायर करने वाले हैं। हमेशा 45 डिग्री का मूवमेंट रखें अपने बॉन्साई के अंदर जब वायरिंग कर रहे हैं, तो वायर के अंदर 45 डिग्री का मूवमेंट रखें। इसकी ब्रांचेस काफ़ी मोटी हैं, तो वायर करने वक्त के लिए हमें कम से कम डबल वायर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये वायर जो मेरे पास है ये ज़्यादा मोटा नहीं है। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा गेज की वायर है तो आप उसको यूज़ करें, सिंगल वायरिंग में आपका काम हो जाएगा, बट यहाँ पे हमें डबल वायर यूज़ करना पड़ेगा।
तो गाइस फाइनल हमारा जो पैनल बॉन्साई है इसकी मैंने वायरिंग कर दी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब वायरिंग के बाद इसकी जो ब्रांचेज हैं एकदम परफेक्ट तरीके से एक उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में फैल रही है जैसा पैनल बॉन्साई होता है। तो देखते हैं हम इसको ज़रा क्लोज से। ये है गाइस वायरिंग के बाद का रिजल्ट।